शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको वो टिप्स जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो सुनिए, सबसे पहली बात, अगर जीतना चाहते हो तो जिद करो, अर्थात निश्चय करो, एक विचार बनाओ कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है। मुझे नौकरी प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और फिर देखो जीत कैसे नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी है ना कि जहां चाह वहां राह, यह चाह ही तो महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे याद है स्कूल में पढ़ी हुई कविता की कुछ पंक्तियां कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। जी हां, यदि आपने एक बार जिद कर ली तो ऐसा कोई भी नहीं जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। और मंजिल कितनी भी दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। दूसरी बात, जिद को पूरी करने हेतु तैयारी करें। याद रखिए, मात्र जिद करने से जीत नहीं मिलती। जिद को पूरा करने हेतु व्यक्ति को धैर्य से तैयारी करनी होती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, इस दौर में जीतने के लिए ना केवल आपकी स्वयं की योग्यता, काबिलियत व ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि आपको अपनी कमजोरियों के आंकलन की भी आवश्यकता है। अगर जीतना है तो ध्यान दो कि आप में कौन कौन सी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर करके स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें जीतने की अधिक भूख होती है, जिसमें टॉप पर पहुंचने की चाहत होती है, वही जीवन में अपनी जीत दर्ज करा सकता है। आपका आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयासों की एकजुटता आपके लक्ष्य प्राप्ति को सुगम बनाते हैं। विद्यार्थियों, याद रखें अर्जुन की वह बात जब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो इसी प्रकार आपको भी केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं। तीसरी बात, जीतने के लिए खुद से वादा करें। जीतने के लिए खुद से वादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद से किया गया वादा एक ऐसा संकल्प होता है जो जीतने हेतु की गई जिद की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसीलिए पूरी ईमानदारी से अपने आप से वादा करें कि मुझे जीतना है और मैं जीत कर रहूंगा। अगली बात, जीत के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहें, क्योंकि सोच आपके आचरण को प्रभावित करती है और आपका आचरण जीवन में आपको नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए जीत के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। कभी भी अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए और ना ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य आने दीजिए। जीत के लिए आत्मविश्लेषण करें, अर्थात स्वयं को जानें, स्वयं की कमजोरियों को जानें और जानने का प्रयास करें कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, जानने का प्रयास करें कि आपकी तैयारी में क्या कमी रह गई है, जानने की कोशिश करें कि आप जो योजना बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं वह कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। स्वयं को इतना सतर्क रखें कि भूल होने ही ना पाए, और यदि भूल हो भी जाती है तो उसे सुधारने में देरी ना करें। तो ध्यान रखें,
जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनाना है। विपरीत परिस्थितियों को हंसते मुस्कुराते हुए उनका सामना करना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। सफलता के लिए संयमित जीवन शैली अपनानी है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। स्वयं को प्रेरित करना है और धैर्य, लगन व मेहनत के साथ मंजिल को प्राप्त करना है।